पंडित जगन्नाथ मिश्र कौन थे? बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। उन्होंने एक मलिच कन्या से विवाह किया और मलिच कन्या जो थी उसके कारण जब विवाह हो गया तो वहाँ के जितने भी काशी के पंडितों ने उनको अपनी बिरादरी से हटा दिया। जब काशी के एक ब्राह्मण ने मांगा मुस्लिम कन्या का हार, शाहजहां ने कबूल किया था दोनों का संबंध। एक तरफ जहां कथित लव जिहाद के मामले सामने आने से समुदाय विशेष के प्रति पुरोला बड़कोट में आक्रोश फैल गया, वहीं अब पूरे उत्तरकाशी में शांति और भाईचारा कायम हो गया है। मुस्लिम समुदाय की दुकानें भी खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी बीच तीर्थ पुरोहित ने बताया कि शाहजहां के शासन काल में धर्म को लेकर शास्त्र हुआ था, जिसमें काशी से पंडित जगन्नाथ मिश्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुस्लिम कन्या का हाथ मांग लिया, जिससे काशी में ब्राह्मण गुस्सा हो गए। तीर्थ पुरोहितों ने पूरी घटना का जिक्र किया है, वो आप सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगोत्री धाम के प्रांगण में और यहाँ पर दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि जैसे ही गंगा आरती होती है, आरती के बाद गंगा लहरी को गाने का प्राविधान है और गंगा लहरी के बारे में बताया जाता है कि ये कौमी एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिमों की सनातन के प्रति आस्था का प्रतीक है। कितनी सत्यता इस बात पर है गंगा लहरी को लेकर के कि ये कौमी एकता का प्रतीक है, यहीं के तीर्थ पुरोहित और इस मंदिर समिति गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव और रावल इनसे जानना चाहेंगे कि सत्यता आखिर है क्या। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सेमवाल है, मैं मंदिर समिति गंगोत्री का सचिव हूँ और यहाँ का पुरोहित हूँ। बोले गंगा मैया की जय। सचिव साहब, एक चीज जानना चाहेंगे कि गंगा लहरी गंगा आरती के बाद प्रतिदिवस गाई जाती है, ऐसा आप लोगों के यहाँ विधान है, कौमी एकता के प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है, विस्तृत से आप बताएंगे। समीध्यम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन् महेश्वरम लीला जनित जगता खंड परशु सुती नाम शर्वाशम। ये भगवती गंगा का जो श्लोक है, 52 श्लोक, ये पंडित जगन्नाथ मिश्र के द्वारा रचित है। और पंडित जगन्नाथ मिश्र कौन थे? बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। उन्होंने एक मलिच कन्या से विवाह किया और मलिच कन्या जो थी उसके कारण जब विवाह हो गया तो वहाँ के जितने भी काशी के पंडितों ने उनको अपनी बिरादरी से हटा दिया और गंगा घाट पर भी नहीं जाने दिया कि आप गंगा मैया के पास न जाओ। लेकिन उन्होंने 52 सीढ़ियों के ऊपर बैठकर 52 श्लोकों की जो रचना की, समिध्यम सौभाग्यम और माँ भगवती गंगा, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ती 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 और पंडित जी के पास पहुँच गई और सारे लोग उसमें उनके नतमस्तक हो गए, सब उनके चरणों में झुक गए। आप समझिए कि कोई भी सनातन धर्म से बड़ा नहीं है, मूल सब सनातन है। मेरा तो ये निवेदन है कि मलिच कन्याएं भी जो है और जितने भी दूसरे धर्म के धर्म, तो सब निकला हुआ इसी से है, पंथ हैं और मूल धर्म सनातन है, तो सब सनातन की तरफ आए। और ये एक किस्म से बताइए कि मुसलमान कन्या से विवाह करने के बाद भगवती ने उनको दर्शन दिया, तो माँ समझ लिए माँ गंगा कितनी उदार है। उन्होंने रविदास को भी अपनी कटौती में आए, उनकी कटौती में आए, तो भगवती सबके लिए अच्छी है। और बिस्मिल्लाह खान भी वहाँ बैठकर निरंतर जब वहाँ पर अपनी शहनाई बजाते थे, तो उन्होंने भी एक दिन, मैंने सुना था, माँ भगवती गंगा को माँ ही मानते थे। तो मेरा निवेदन ये है कि सनातन की तरफ सब लोग लौटें, कोई धर्म नहीं है, मूल सनातन है, सब लोग सनातन की तरफ आए। तो ये थे रावल तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम के गंगा मैया के, जिन्होंने बताया कि गंगा लहरी का महात्म क्या है। 52 कड़ियों में जो लिखी गई है गंगा लहरी है, ये काफी कौमी एकता को लेकर के एक प्रमाण है कि किसी भी प्रकार का जो है विद्वेष की भावना आपस में नहीं होती थी। 52 पंक्तियों में जो ये लिखी हुई जो ये गंगा लहरी है, इसके बारे में बताया जाता है, जैसे कि रावल जी ने बताया कि जब जो है पंडित जगन्नाथ मिश्र को उनके लोगों के द्वारा, ब्राह्मण समाज के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया था, तो वो गंगा घाट में बैठ करके गंगा लहरी की पंक्ति गाने लगे। तो इतने में जो है, जो 52, जैसे ही उन्होंने 52 पंक्तियों को गाया तो 52 कदम यानी कि 52 सीढ़ियां स्टेप चढ़ करके माँ गंगा की जो धार है वो उन तक पहुंच गई थी। तो ये कौमी एकता का प्रतीक है गंगा लहरी, प्रतिदिवस यहाँ पर गाई जाती है और यहाँ पर जो है भक्तमय गंगामय जो है पूरा माहौल हो जाता है। जीएनटी के लिए ओंकार बहुगुणा गंगोत्री धाम।